अस्सलाम वालेकुम बेटा, एक्सरसाइज नंबर 6.8। लास्ट टाइम जो हमने था इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 किया था, और इससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी सीरीज़ का सम करने की, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम करने के से रिलेटेड। अब बेटा आज हम इसका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में ऐड है, तो पार्ट नंबर जो 2 है वो मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आप उसी से पार्ट नंबर 3 कर सकते हो। तो बेटा पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन में पहले क्या राइट किया हुआ है बुक पे पढ़िए कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। उसने कहा यही है कि सम फाइंड करें, और किसका फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो बेटा हमें पता है कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, यहाँ तो उन्होंने मेंशन किया है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका सम फाइंड करें। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ना मेंशन किया हो कि ये जो एक आपके पास सीरीज़ है और इसका सम फाइंड करना है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि वो सीरीज ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक है, ठीक है, क्योंकि हमने दो तरह की सीरीज़ पढ़ी है यहाँ पर। तो बेटा फिर ये देखें, अगर के हमारे पास ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक है तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों के रेशियो निकालें 1/4 / 1/2 तो उसका आंसर, या 1/8 / 1/4 इसका आंसर सेम आ जाए तो हम देखेंगे कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। लिखा हो या ना लिखा हो हम पता कर सकते हैं, और अगर ऐड करने से आए तो आपको पता है वो अरिथमेटिक सीरीज होती है। पिछले वाले में क्या ऐड करें कि अगला है, और वही अगर आगे वाले में ऐड करें और उससे आगे वाला आ जाए तो उससे हमारे पास वो अरिथमेटिक सीरीज होती है। हमें पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। दूसरी बात ये कि ये जो हमने अभी सीरीज पढ़ी थी वो इनफाइनाइट नहीं थी, वो हमें उन्होंने अप टू 10 टर्म्स 8 टर्म्स 7 टर्म्स तक बताया था कि ये सीरीज़ यहाँ तक जा रही है, लेकिन इस सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो ये आज का नया टॉपिक है कि हमने देखना है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करना है लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स के साथ। तो बेटा सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होता है, वो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/(1-r)। ये होता है आपके पास सम फाइंड करने का फॉर्मूला। इसमें अब हमें जो जो चाहिए वो हम फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ए वन आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है और वो हमारे पास है 1/2। आर आपको पता है क्योंकि इसमें आर भी चाहिए, वो हमारे पास डिफरेंस होता है, वो आप इसको इस पर डिवाइड कर लो या इसको इस पर डिवाइड कर लो तो वो डिफरेंस आ जाएगा 1/4 / 1/2। इसको इस पर डिवाइड कर लें तो वो आ गया आपके पास 1/4। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1, तो आंसर आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, हमारे पास आर भी आ गया, हमारे पास ए वन भी आ गया, हम इसमें पुट कर देते हैं। सो 1/2 / 1-1/2 ठीक हो गया। अब बेटा फिर इसको आगे अगर आप सोल्व करो तो आपको पता चल जाए कि इसको हम आगे हमारे पास इसका आंसर क्या आ सकता है। अगर हम इसको भी सॉल्व करें 2 और ओवरऑल आंसर आ गया आपके पास 1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक इस क्वेश्चन में ये बात देखने वाली है कि जब आपके पास इनफाइनाइट सीरीज का ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने को कहेंगे वो, तो आपके पास जो रेशियो होती है बेटा वो हमेशा 1 और -1 के अंदर होनी चाहिए, तो ही ये वाला हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो हम उस पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इनफाइनाइट सम का। ठीक है, इनफाइनाइट सम के लिए आर आपके इसके बिटवीन -1 से बड़ा हो 1 से छोटा हो। हमारे पास ये जो आर था ये था 1/2 यानी 0.5, तो ये 1 से छोटा था और -1 से बड़ा था, तो ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, कि जब भी वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ दें आपको तो आपके पास ये कंडीशन आर के लिए इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे कर लीजिएगा बेटा। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बुक पे अगर देखें तो उन्होंने कहा हुआ है फाइंड वल्गर फ्रैक्शन इक्वल टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले वल्गर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है और रिकरिंग का मतलब क्या होता है। वल्गर बेटा आमतौर पर अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब हम बेहूदा पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में वल्गर फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता। वल्गर फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन होती है या सिंपल फ्रैक्शन होती है,
यहाँ मैंने इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी है, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो फ्रैक्शन पी ओवर क्यू होती है वो गिवन हो और जो पी और क्यू यानी ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज इंटीजर्स हों और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर ये और ये पी ओवर क्यू की जो वैल्यू सपोज मैंने ली वो दोनों इंटीजर्स में से बिलोंग कर रही हैं और नीचे वाला जीरो ना हो, जैसे आप सिंपल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो हम कहेंगे फ्रैक्शन जो है वल्गर है आपके पास, ठीक है। अदरवाइज नहीं, सपोज मेरे पास ये फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है लेकिन ये स्क्वायर रूट टू इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम फिर इसको कहेंगे ये वाली फ्रैक्शन सिंपल ही है, ये वाली फ्रैक्शन नहीं है, ठीक हो गया। रिकरिंग का मतलब होता है जो चलता जाए, ऐसा फ्रैक्शन जो कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हो रहा, डिवीजन के बाद चलता जा रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर वन मैं आपको करवा रही हूँ इसका, बाकी जो सेकेंड और फोर्थ पार्ट है वो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। बेटा इसमें ये दिए हुए हैं पॉइंट्स और इसमें डॉट डाले हुए हैं, इसका मतलब ये जो दो नंबर हैं डिजिट हैं ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो इसको ऐसे भी बार भी डाल सकता था, बार का मतलब भी यही होता है कि वो रिपीट कर रहे हैं। तो जो नंबर रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले अगर तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता कि ये वाली वैल्यू जो आपके पास होती वो ज़ीरो होती तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होनी थी, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू आ गई वन तो इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इस वन को पहले हम सेपरेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ वन को अलग से लिख लिया। अब हम इस पे क्वेश्चन, हमारा मेन काम इस पे है, ये चलता जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन शुरू ही यहाँ से होता तो अभी ऐसे चलता जाता, जो नेक्स्ट दो पार्ट है वो ऐसे ही हम समझे, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ये तो चलता जा रहा है, बस लास्ट पे आंसर में ऐड हो जाएगा। तो हम इसको चलाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 4 3 4 3 4 3 4 चलते जा रहे हैं, मैंने इसको चला लिया, ओपन कर लिया। अब जब ओपन कर लिया तो आपको पता है, अब इसमें भी उन्होंने ये आपको कहा है कि इसकी कॉमन फ्रैक्शन फाइंड करें। कॉमन फ्रैक्शन है बेटा इसकी, कॉमन फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फिर इसकी सीरीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि हम इसकी फ्रैक्शन का जो ये कॉमन फ्रैक्शन में लास्ट पे एक इस पूरी बड़ी फ्रैक्शन को सम अप करके एक वैल्यू निकलेगी जो उसकी इन सब की कॉमन फ्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब हमें पहले इसका सम निकालना पड़ेगा, तो सम निकालने के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है एस इन्फिनिटी, चूँकि ये इनफाइनाइट सीरीज है इसलिए एस इन्फिनिटी वाला सम वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो बेटा पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से पहले मैं ऐसे करती हूँ, क्या मैं 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 0.000034 प्लस सो ऑन ऐसे लिख सकती हूँ। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे आपके पास 256 लिखा है तो आप इसको कैसे ब्रेक करते थे, आप करते थे 200 प्लस 50 प्लस 6, इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना कंबाइन करके और इसको तोड़ के। बिल्कुल मैंने इसको ऐसे किया कि पहली वैल्यू है 0.34, नेक्स्ट है 34 चली गई, 34 बची, फिर 2 3 4 चले गए, 1 2 3 4 यहाँ जीरो रह गए, फिर 3 4 इस तरह 2 2 2 एक होती तो एक एक के डिफरेंस जाता। तो ये मैंने समझे इसको ओपन करके लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो इसका पॉइंट ख़त्म कर दूँ नीचे आ जाएगा 100, इसका भी अगर पॉइंट ख़त्म कर दूँ तो इसके नीचे आ जाएंगे 40 1 2 3 4, इसका भी पॉइंट ख़त्म कर दूँ तो इसके नीचे आ जाएंगे 60 और सो ऑन सो फोर, ठीक है। ये मैंने भी इसको सिंप्लीफाई किया। अब मुझे सम ही निकालना है तो मैं सम का फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, a1 over 1 - r। a1 है हमारे पास बेटा इसमें 1, r हमारे पास है डिफरेंस, यानी किसी भी दो को इस पर मैं अगर डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, और वो डिफरेंस क्या है हमारे पास, या अगर इसमें एक और काम भी किया जा सकता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको अगर मैं दोबारा लिखूँ तो अगर आप देखो तो 34 over 100 सब में है इस वैल्यू में, इस तरह आसान हो जाएगा। तो इसके पास बचा 1 over सिर्फ 1, इसके पास बचा 1 over 100 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 1 over 40, क्योंकि 60 थे तो 20 बाहर चले गए। इसको मैंने इसलिए ऐसे किया कि इस तरह ना ये अंदर वाली वैल्यू और सिंपल लगेगी, मैं ज़रा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू साइड पर रखी जा रही हूँ ताकि आसानी से आंसर आ जाए। अब मैं अगर आर देखूँ इस पे से तो आर क्या होता है, इसको डिवाइड करें इस पे, इसको डिवाइड करें इस पे, दोनों में से जो मर्जी कर ले। मैं कहती हूँ 1 over 100 डिवाइडेड बाय 1 over 1, तो 1 over 1 की कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास आर का आंसर आ गया 1 over 100, और 1 over 100 जो आपके पास वो हमेशा लेस देन 1 होता है। हमने यही कहा था कि आर जो है वो बिटवीन लाए करे -1 और 1 में। दोनों बातें क्लियर हो गई,
हमें किसी में डाउट नहीं रहा। अब हम फॉर्मूला देखते हैं अपना कि हमें सम फाइंड करना है हम सब में। ए वन ओवर वन माइनस आर, ए वन आपके पास आ गया बेटा वन, आर आ गया हमारे पास वन ओवर हंड्रेड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वन और आर ओवर हंड्रेड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। और साथ में अगर ऐसे करें कि चले पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हंड्रेड आ गया अगर आपके पास तो हम ऐसे करते हैं, आप अपनी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि इसका सम फाइंड किया और इस सब का सम फाइंड करके आपके पास क्या आ गया, सॉरी वन में से माइनस भी करना था, मिस्टेक हो गई इसमें, तो इसको कर लेते हैं पहले सॉल्व। हंड्रेड माइनस वन ओवर हंड्रेड, तो ये आ गया हंड्रेड ओवर नाइन्टी नाइन, यहाँ वन भी था ना, वन माइनस आर था, तो ये आ गया हंड्रेड ओवर नाइन्टी नाइन, यानी इस सारे को सॉल्व किया और ये आ गया। तो अब इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू अगर पुट करूँ, अगर आपको दिखाऊँ नेक्स्ट पेज पे कि हम लिखते हैं यहाँ पर वन प्लस थर्टी फोर ओवर हंड्रेड, ये सारा कुछ बेटा इसमें पुट कर रही हूँ अब, इनटू इसकी जगह आ गया हंड्रेड ओवर नाइन्टी नाइन। आप अलग से सॉल्व ना करते, आप इसमें पुट कर देते डायरेक्ट, मैंने थोड़ा अलग से सॉल्व कर लिया, तो वन प्लस ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया थर्टी फोर ओवर नाइन्टी नाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको इसका एलसीएम ले लेंगे, और ये किसकी इक्वल है, ये हमारे पास वैल्यू जो है ये हम 1.34 को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 34 ओवर 99, और नेक्स्ट आ जाएगा 3 और 1 ओवर 99। तो ये थी बेटा इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बेटा ये था इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसके जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो भी आप देखेंगे, जैसे एक पार्ट है 0.77, तो इसमें तो ये यहाँ पर भी वैल्यू बिल्कुल कोई भी नहीं आ रही, तो ये जो हमने 1 ऐड किया था इसमें ये स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें जस्ट आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे 0.7 0.07 0.007, सो ऑन, एंड आपके पास वही वाला फॉर्मूला लगेगा और उसमें आप वैल्यू सिंपल फॉर्मूल होगा, आर निकालोगे ए निकालोगे सोल्व हो जाएगा। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी मेथड बताती हूँ ताकि आपको आगे करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा देती हूँ मैं, बाकी भी जो क्वेश्चन है फिर वो उसी तरह के, आपको एक समझ आ जाएगा तो आपको बाकी भी इजी लगेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो बेटा इसमें उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज़ दी हुई है और मेंशन नहीं किया कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और एक रिजल्ट शो करने को कहा है जो आपको साइड में बुक पे नज़र आ रहा होगा। तो बेटा इस सीरीज़ को हमने फिर देख लेना है क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि हम देखें कि इसके और इसके दरमियान में कितना डिफरेंस है। देखते हैं अभी, अगर मैं इस टर्म को 2x ओवर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 ज़ार 4, एक्स 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 स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9, यानी अगर मैं इसको इस पे डिवाइड करूंगी तो ये बचेगा, या मैं इसको इस पे डिवाइड करूंगी, देखें क्या ये दोबारा इसको 2 4 ज़ार 8, एक्स एक्स स्क्वायर ज़ार एक्स क्यूब, 3 9 ज़ार 27, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब इनके दरमियान में ये कॉमन रेशियो है, आसान तरीका, क्योंकि डिवाइड करते तो ज़रा लंबा प्रोसीजर हो जाना था, इसलिए मैंने ऐसी रेशियो निकाल ली। हमने जब सॉल्व किया, आगे आर के लिए करेंगे वो भी, तो हमें पता चल गया कि ये वाकई ज्योमेट्रिक सीरीज ही है। और बेटा इन्होंने रिजल्ट शो करने को कहा है और हमें नज़र आ रहा है कि जो रिजल्ट है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है और वाई इस साइड पर इन्वॉल्व है हमारे पास, तो इसका मतलब हमें इस वाई को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाई हमारे पास ये गिवन है। तो अगर आप ये देखो कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ का सम निकालते हैं ताकि सब कुछ सम अप हो जाए और हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकें, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें उसके लिए पहले ए वन चाहिए होगा जो हमारे पास है 2 ओवर 3x, हमें आर चाहिए होगा जो हमारे पास है, इस वैल्यू को डिवाइड करें इस वैल्यू पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो भी मैंने आपको निकाल के दिखाया है, ये जो कि लेस है 1 से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेस है 1 से,
उन्होंने साइड पर कंडीशन दी है कि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी और थ्री ओवर फोर से छोटी होगी, तब ही ये वैल्यू इसके लिए वैलिड होगी, ये रिजल्ट इसकी कंडीशन दी है, खुद से उन्होंने दी है, और आपको पता है ये वैल्यू वन से छोटी होती है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर छोटी ही होगी, तो जब वो मल्टीप्लाई होकर थ्री से डिवाइड होगी तब भी वो लेस देन वन ही आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ए ज्योमेट्रिक सीरीज़, हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, हमें आर और ए पता चल गया है, तो टू फाइंड द सम ऑफ, हम लिख दें कि टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब वो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला होता है ये, और इसमें चूंकि ये वाली साइड वाई है, यानी वो इनफाइनाइट टर्म वाई के इक्वल लेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वाई रख लिया। ए वन का मतलब टू ओवर थ्री एक्स डिवाइडेड वाई वन ओवर माइनस टू ओवर थ्री एक्स, इसमें वैल्यूज पुट की। इसको आगे मैं सॉल्व कर लेती हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो थ्री माइनस टू एक्स आ जाएगा, और जब वो ऊपर जाएगा तो थ्री माइनस टू एक्स, सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, ये इससे कट हो गया, हमारे पास ओवरऑल जो आंसर बचा वाई का वो बच गया टू एक्स ओवर थ्री माइनस एक्स। अब हमें चाहिए इस तरह का आंसर, तो हम इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ एक्स बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू तो यहाँ तक आ गई, लेकिन जब हमने देखा कि हमें आंसर किसी और फॉर्म में चाहिए तो हम इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री वाई माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स। अब ऐसे करते हैं कि एक्स और एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट ऐसे ही बन रहा है, इसमें से एक्स अगर कॉमन आ गया, सॉरी यहाँ वाई है, ये वाई था, तो टू और एक्स कॉमन अंदर रह गया वन प्लस वाई, और हमें रिजल्ट चाहिए x यहाँ अकेला रहना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 3y, 2, 1 प्लस वाई, और इस साइड पे आपके पास रह गया जस्ट x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो हमें बेटा यही चाहिए था, हमने अपनी वैल्यू को सम करके ज्योमेट्रिक सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज़ के सम पे ही जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और बिल्कुल इसी पर ही बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है, सेम ये तीनों क्वेश्चन एक तरह से ही हैं, तो आप लोगों ने इसी प्रोसीजर से वो क्वेश्चन कर लेने हैं जी। बेटा अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो हम देखते हैं। उन्होंने बुक पे आप देखिए राइट किया हुआ, द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 19 एंड द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ इट्स टर्म्स इज 81/5, फाइंड द सीरीज। मतलब उन्होंने हमें सीरीज दी नहीं, उन्होंने हमें सीरीज फाइंड करने को कह दी, और ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करने को कही, और साथ इन्फॉर्मेशन दे दिए दो। तो हम पहले यहाँ देखते हैं, लेट करते हैं एक जनरल टर्म, जो जनरल इनफाइनाइट सीरीज होती है ना आपके पास, वो हम लेट करेंगे, जिससे फिर हम अपना रिजल्ट फाइंड करेंगे। आपको पता है पहले जो सीक्वेंस होती है आपके पास होती है वो a1 a1 r स्क्वायर और कोमा डाल के सो ऑन, लेकिन जब वो सीक्वेंस जो है वो सीरीज़ बनती है तो उसमें प्लस आ जाते हैं, और यही इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला है। तो हमारे पास दो तरह की उसने बातें बताई, एक उसने बताया कि उनका वो सीरीज़ का सम 9 है, और उसी सीरीज़ का अगर मैं स्क्वायर लूँ, यानी इसकी हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर, तो उसने कहा वो अगर लूँ मैं तो वो क्या आ रहा है आपके पास, उसका सम क्या आ रहा है 81/5। तो ये दो बातें उसने दी, हमारे पास सीरीज़ का सम है, हमारे पास सीरीज़ की जनरल फॉर्म है, हमारे पास सीरीज़ का जनरल फॉर्मूला होता है a1/1-r। इसका मतलब सीरीज़ बनानी है, और सीरीज़ बनाने के लिए मुझे a1 चाहिए और r चाहिए, ताकि मैं इसमें पुट करूं आस्ता आस्ता और हमारे पास सीरीज़ आ जाए। ठीक है, तो अभी हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं है, अब हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि उसने ये दिया हुआ है यहाँ पर 9, इसकी जगह 9 पुट कर देती हूँ, और यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करूं, दोनों को अगर एक साथ लेकर चलें, तो इसकी जगह उसने दिया हुआ है 81/5, और ये वैसे की वैसे। अब इसको ज़रा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगी A1। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास चूँकि जन अब एक बात देखने वाली है इसमें कि यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ A1 थी, इसलिए हम ऊपर लेते थे A1। यहाँ पर जो जनरल सीरीज में A's आ रहे हैं, फॉर्मूला बन रहा है वो स्क्वेयर की वजह से बन रहा है, A1 A1 square A1 square A1 square, तो इसमें जो जनरल फार्मूला होगा उसमें भी यहाँ स्क्वेयर यूज़ होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर A1 लगता होता है क्योंकि सब में A1 होते हैं, यहाँ पर सब में A square है इसलिए ऊपर A square लगेगा। अब आप ये देखें कि इन दोनों को अगर इक्वेशन में आपस में सॉल्व करूं तो उसमें मेरे पास R आ सकता है या A1 आ सकता है जो मैं इसमें अपनी सीरीज़ की तरतीब में चाहिए सीरीज़ बनाने के लिए। तो हम ऐसे करते हैं कि इसमें से ये वैल्यू A1 की इधर पुट कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल वैल्यू है, तो अगर मैं इसको 1 और 2 का नाम दूँ और लिख दूँ कि पुट A1 इन इक्वेशन 2, सो वी गेट 81 इंटू 1 माइनस R square हाँ यहाँ पे भी ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सिंपल है R square आ रहा है तो यहाँ पर भी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ R square ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंपल R की फॉर्म में होता है, यहाँ पर हमारे पास सीरीज R square में जो जनरल सबसे पहली वैल्यू बन रही है वो, तो अगर मैं इसमें आगे वैल्यूज फर्दर पुट करूँ तो ये आपके पास बन जाएगा इस वाली साइड पे 5 और A1 की जगह अब ये वैल्यू लगेगी जो होगी A into 1 minus R और इसका क्या लिया हुआ है जी उन्होंने स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेटा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं ओपन ना कर लूँ ऐसे 1 minus R और 1 plus R, इसका फॉर्मूला ओपन कर लें स्क्वायर का, ऐसे करते हैं कि इस पे स्क्वायर अलग खोल लिया, इसको भी इस पे स्क्वायर अलग लगा दिया। जब इस पे स्क्वायर अलग लगा दिया इससे ये फ़ायदा होगा कि इसमें कटिंग होके ना हमारे पास आंसर बड़ा सिंपल सा आएगा। फिर इसको भी कर लेते हैं 2 बार स्क्वायर बजाय खोलने की, क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको ये करने से हुआ कि 2 बार ये था, इसको मैं 2 बार लिख लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे बचा 1 plus R 5 into 1 minus R, इसलिए ये काम कर लिया हमने, ठीक है। तो अब इसको ज़रा अगर मैं सॉल्व कर लूँ कि 1 plus R into 5 minus 5R और R और R को एक साइड पे कर लिया और दूसरी वैल्यू इसको एक साइड पे कर लिया, तो 6R = 4 या R = 4/6 या R = 2/3, तो R की वैल्यू यहाँ से आ गई, बिल्कुल हमें R की वैल्यू मिल गई है। हमें चाहिए A की वैल्यू, क्योंकि सीरीज़ बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या जनरल सीरीज़ के लिए ज़रूरी है, ये जनरल सीरीज़ बनानी थी हमें, ये दोनों ने एक्स्ट्रा कंडीशन दी ना हमें, मतलब कंडीशन तो दो थी आपके पास, बहरहाल जो सीरीज़ बनानी होती है वो ये असल में ये सीरीज़ होती है। तो इसमें हमें A1 और R चाहिए था, R आ गया, A1 चाहिए। A देख लेते हैं कैसे मिलेगा आपको, A1 के लिए जनरल सी इक्वेशन, ये सिंपल वाली इक्वेशन 1 यूज़ करते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ R इन 1 वी गेट 9 into 1 minus R की जगह 2/3 = A1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 minus 2 यानी 1/2 1/3, 3 3 = 9, तो A आपके पास आ गया 3। तो आपके पास A भी आ गया, आपके पास R भी आ गया, अब हमने सिंपल क्या बनानी है इससे अपनी सीरीज़। तो सीरीज़ कैसे बनाएं, हम कहेंगे when A = 3 R = 2/3, सो द सीरीज विल बी A1R + A1R square, सो ऑन A की जगह 3 A1 की जगह 3 into 2/3 + 3 into 2/3 का square + सो ऑन। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2 + 2 = 4 3 3 = 9 3 3 = 3 और सो ऑन, ये हमारे पास आ गई विच इज़ रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज है, बस इसमें बात याद रखनी है कि उसने हमारे पास सीरीज, हमने जनरली खुद लेट की, सम और सम दोनों तरफ दिया हुआ था, इसके लिए अपना फार्मूला लिखा, इसके लिए हमने अपना फार्मूला लिखा स्क्वायर की फॉर्म में,
फिर हमने देखा कि इसकी वैल्यूज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन निकाल सकते हैं, उनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, वहाँ से हमारे पास आर और ए निकल गया और उस आर और ए से हमने फिर अपनी जनरल सीरीज़ को जनरेट कर लिया। इसमें उसने सीरीज़ बनाने को हमें कहा था। तो बेटा आज के लिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। दो पार्ट जो आपके पास, दो क्वेश्चन 8 और जो आप 12 है वो, और पीछे जो 5 क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स रहते हैं वो आप कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी फॉर्मूले की बेस पे सारे क्वेश्चन होने हैं आपके पास, तो वो कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.10 करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।